चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केएस स्टडी ग्रुप। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th एनसीईआरटी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अब हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रूट 5 को हमें क्या मानना पड़ेगा, रेशनल नंबर मानना पड़ेगा, तब ये इरेशनल प्रूव हो पाएगा। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में क्या लिखते हैं, सोल्यूशन इसका हो जाता है, लेट हम लिख देते हैं, लेट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, यानी हमारा रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर। इसको मान लेते हैं हम कि रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है। अगर रूट 5 रेशनल नंबर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नाउ तो क्या हो जाएगा, रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी हो जाएगा। अगर रेशनल नंबर है रूट 5, तो रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है उसका डिफिनीशन, जो किसके फॉर्म में, ए बाई बी के फॉर्म में हो। अब यहाँ पर रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी हो गया। अब यहाँ पर कंडीशन क्या रहती है, और रेशनल नंबर में ए और बी क्या है, ए एंड बी आर इंटीजर नंबर है, ए एंड बी आर इंटीजर नंबर, और क्या हो, बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और बी में क्या हो, ज़ीरो ना आए, बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और इसका जो एस सी एफ आए ए एंड बी का, वो दोनों का एस सी एफ क्या है, वन आए, कॉमन एस सी एफ क्या रहा है, वन आए। अब यहाँ पे ये हमने कंडीशन लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी है, इसमें हम कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, अप्लाई के क्या कर देते हैं हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए बाई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट 5 का होल स्क्वायर यानी रूट से और ये कट से कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा, 5 बचा, इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया अपॉन बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। तो ये हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, अगर यहाँ पे क्या होता है, 5 बी स्क्वायर है, 5 बी स्क्वायर ये किससे डिविजिबल रहेगा, 5 से डिविजिबल रहेगा, ये किसका साइन है, डिविजिबल का साइन है, तो किससे डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, तो 5 बी स्क्वायर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। और 5 बी स्क्वायर के प्लेस हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डिविजिबल हो जाएगा 5 से। तो यानी अगर ए स्क्वायर, एक थियरम होता है उसमें लिखा रहता है कि इफ़ पी यानी प्राइम नंबर, इफ़ प्राइम नंबर डिवाइड्स ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कोई पॉजिटिव इंटीजर, इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर देन P also divides A। अब यहीं से क्या करते हैं, इसको रखते हैं, तो अगर A स्क्वायर है, अब यहाँ पे लिखा गया P divides A square, then P also divide A। अब यहाँ पे A स्क्वायर है, अगर P डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को, तो P जो है प्राइम नंबर, जो also डिवाइड करेगा A को। अब यानी हम A स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, A divisible 5 हो जाएगा। यानी अब ये डिविजिबल कर रहा है, यानी इसका मतलब जो कम्प्लीटली डिविजिबल कर दे वो क्या होता है, इसका फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 इज फैक्टर ऑफ ए, और ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया, 5 इज फैक्टर ऑफ ए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा जो ए है, अब ऐसा तो नहीं है कि इस जो नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर हो इसका एक ही फैक्टर हो, 5 ही फैक्टर हो, इसका और सारा फैक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू कौन सा फैक्टर, इसका एक 5 है, और एक हम क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ए बी सी या कुछ सी मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रैकेट में, सी इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर का साइन ये है, इंटीजर, एंड फैक्टर ऑफ क्या है, ये फैक्टर ऑफ ए है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 5 सी हो जाएगा। अब यहाँ से हमें ये मिल गया, अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है हमारी ए की, ये जो ए की वैल्यू, इसको हम किस में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, फ्रॉम अबव इनटू
इक्वेशन कौन सा हमारा फर्स्ट इक्वेशन में करना है, फर्स्ट इक्वेशन देन वी गेट हमें क्या मिलता है। अब यहाँ फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू फाइव बी स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर की प्लेस पे क्या लिखा गया, फाइव सी लिखा गया, यानी फाइव सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फाइव सी का होल स्क्वायर हो गया अब इक्वल टू फाइव बी स्क्वायर, तो फाइव बी स्क्वायर लिख देंगे हम। अब ये क्या, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव हो जाएगा और सी का स्क्वायर सी हो गया इक्वल टू फाइव बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव हो गया, यानी फाइव सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, फाइव सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया। अब जो हमारा फाइव सी स्क्वायर है ये किससे कम्प्लीट डिवाइजबल हो जाएगा, फाइव से डिविजिबल हो जाएगा। और जो फाइव सी स्क्वायर के प्लेस हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा, फाइव से। अगर पी डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को देन पी आल्सो डिवाइड ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डिविजिबल फाइव हो जाएगा। तो यहाँ से हम देयरफॉर लिख सकते हैं कि हमारा जो फाइव है, फाइव इज आल्सो फैक्टर ऑफ बी। अब इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से हमें क्या मिलता है कि जो फाइव इज द फैक्टर ऑफ ए एंड फाइव इज द फैक्टर ऑफ बी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी कैन गेट फाइव इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। अभी तक हमने क्या लिखा था यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी ऑब्जर्व, हमने क्या किया, फाइव इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी, फाइव इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। लेकिन ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने पहले क्या स्टेटमेंट दिया था कि एस सी एफ जो ए एंड बी का जो कॉमन फैक्टर होगा वो केवल वन होगा, लेकिन यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर क्या मिला है, फाइव मिला है, यानी वन के अलावा भी क्या है, इसका प्राइम फैक्टर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, कौन सा फैक्ट, द फैक्ट दैट ए एंड बी ओनली हैव वन एज देयर फैक्टर, ओनली हैव वन एज देयर फैक्टर या एस सी एफ। तो यहाँ से हमारी ये हो जाता है, हमने लिख दिया स्टेटमेंट। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देयर फोर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने क्या सपोज किया था कि रूट फाइव इज अ रेशनल नंबर, तो वहाँ से क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। एंड रूट टू क्या हो जाएगा, रूट टू इज इरेशनल नंबर हो जाएगा। और यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाता है रूट टू हमारा क्या, इरेशनल नंबर है। तो रूट फाइव यहाँ पे है, रूट फाइव इज क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। सेकंड क्वेश्चन है, इसे क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इरेशनल नंबर। इसमें हमें क्या उसको भी क्या प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम रस्म करेंगे, पहले इसको क्या मान लेंगे, इरेशनल नंबर मान लेंगे, तब यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे हम सोल्यूशन में क्या लिखते हैं, सोल्यूशन हम लिख देंगे लेट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इरेशनल नंबर लिख देंगे हम, इरेशनल नंबर हो गया। अब यहाँ पे अगर थ्री प्लस टू रूट फाइव इरेशनल नंबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, थ्री प्लस टू रूट फाइव किसके फॉर्म में एक्सप्रेसिबल होगा, ए बाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल होगा, जहाँ कंडीशन क्या होती है, वेयर ए एंड बी आर क्या हो, इंटीजर हो, एंड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, और जो एस सी एफ हो ए एंड बी का वो क्या हो, केवल ए वन हो। तो यहाँ पे क्या हो जाए, एस सी एफ ए एंड बी इक्वल टू वन हो गया। अब यहाँ पे थ्री प्लस टू रूट फाइव इक्वल टू ए बाई बी हो गया। अब हमें क्या करना है, इस रूट फाइव को अकेला करना था, हम इसके लिए क्या करेंगे, अगर हमें रूट फाइव को अकेला करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू रूट फाइव इक्वल टू ए बाई बी है। अब यहाँ पे प्लस साइन साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस थ्री हो जाएगा। अभी टू को भी हटाना है हमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट फाइव हो गया इक्वल टू ए बाई बी माइनस थ्री हो गया। अब यहाँ पर टू मल्टीप्लाई में साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसका मतलब वन बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा रूट फाइव क्या हो गया, अकेला हो गया। तो रूट फाइव इक्वल टू क्या आ गया, वन बाई टू आ गया, ब्रैकेट में ए बाई बी माइनस थ्री आ गया। अब जब रूट फाइव अकेला हो गया, अब यहाँ से हम क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट अब ये हमारा क्या है, वन बाई टू हमारा क्या है, ए बाई बी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है ए बाई बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बाई बी इज रेशनल नंबर हो गया हमारा, ए बाई बी इज रेशनल नंबर।
अगर ए बाई बी में हम माइनस करते हैं थ्री को तो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बाई बी माइनस थ्री इज आल्सो अ रेशनल नंबर। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 ए बाई बी माइनस थ्री इज आल्सो रेशनल नंबर हो गया। अब ये हमारे यहाँ से इसके क्या लिख देंगे स्टेटमेंट हम, ये हमारा रेशनल नंबर था, अगर रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ गया, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते रेशनल नंबर ही हो गया। उसमें रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तभी हमारा क्या रेशनल नंबर ही आएगा। और इसमें हमने डिवाइड किया था तो यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख देते हैं, अगर रेशनल नंबर हम डिवाइड करेंगे रेशनल नंबर को ही तो वहाँ पर क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा अगर ये सब भी रेशनल नंबर है तो हमारा रूट फाइव भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रूट फाइव इज रेशनल नंबर, कौन से इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, रूट फाइव इज रेशनल नंबर हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, लेकिन हमें क्या पता है अगर हम किसी भी प्राइम नंबर पे स्क्वायर रूट लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर बन जाता है। तो यहाँ पे वही लिखेंगे हम, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर होता है। अब यहाँ से हम क्या लिख देंगे, अगर ये हमारा हो जाता है कॉन्ट्राडिक्टिंग फैक्ट तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इसका मतलब कि रूट जो 3+2√5 वो रेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आवर सपोजिशन इज रॉन्ग देयरफॉर 3+2√5 इज इरेशनल नंबर प्रूव हो जाता है। अब थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, इसे प्रूव करना है कि 1/√2 प्रूव करें कि ई रेशनल नंबर है। इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसे रेशनल नंबर मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट 1/√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/√2 इज़ अ रेशनल नंबर हो गया हमारा। अब यहाँ पे 1/√2 का रेशनल नंबर इसके किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ए बाई बी में। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, वेयर ए एंड बी क्या हो जाएगा, आर इंटीजर एंड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और यस एफ जो रहेगा यच एंड ए एंड बी का वो क्या हो जाएगा, केवल वन रहेगा। अब यहाँ इतनी स्टेटमेंट हमने लिख दी। अब यहाँ पे हमारा होगी 1/√2 इक्वल टू ए बाई बी। अब यहाँ पे अगर हम रूट टू को लिखना चाहें तो रूट टू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, यानी बी बाई ए हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ए बाई बी रेशनल नंबर, उसका इन्वर्स भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेयर वी नो दैट ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, वी नो दैट बी बाई ए क्या हो जाएगा, इज़ अ रेशनल नंबर हो जाएगा। हमने लिखा है ना ए बाई बी रेशनल नंबर, तो बी बाई बी हमारे क्या होगा, जो रेशनल नंबर हो जाएगा। और हमारा अगर हम इक्वेशन फर्स्ट देखें तो हमारा रूट टू भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रूट टू इज़ रेशनल नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। लेकिन अब जस्ट हमने प्रूव किया कि हमारा रूट टू क्या ई रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर वो क्या होता है, इज ऑलवेज इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हम लिख देंगे इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। और यहाँ से हमारा क्या प्रूव हो जाएगा, तब देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल नंबर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा 1/√2 इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि 1/√2 इज इरेशनल नंबर। अब इसका जो फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड पार्ट है वो तीनों दोनों सेम है, आप लोग कर लीजिएगा इसको, वो भी इसी तरह से इसको प्रूफ करना है।